डैड, आपका होम टाउन तो बहुत खूबसूरत है। आप हमें पहले क्यों नहीं लेकर आए? बेटा, यहाँ पहले आने का टाइम ही नहीं मिला, और वैसे भी यहाँ आने की कोई खास वजह भी नहीं थी, बस यही समझ लो। वाओ, बेल टावर, मॉम बेल टावर। डैड प्लीज, वहां पर 2 मिनट रुकाना, मुझे एक सेल्फी लेनी है बेल टावर के साथ। समीर बेटा, तुम गाड़ी यहीं पास में रोक दो, मैं बीच के रास्ते से वहां चला जाऊंगा और जमीन का सौदा पक्का करके वापस आ जाऊंगा। अरे काका, इतनी जल्दी भी क्या है, हम घर ही तो जा रहे हैं, तो आप बाद में चले जाइएगा। बेटा, जमीन का सौदा बहुत दिनों से रुका हुआ है और तुम इन लोगों को नहीं जानती हो, एक एक मिनट में इनका मन बदलता है, और फिर जिस काम के लिए आए हैं पहले उसको कर लेते हैं। बस बस बेटा, गाड़ी यहीं रोक दो। काका, थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। हाँ बेटा, मैं आ जाऊंगा। प्लीज यहाँ पर रुका दीजिए, प्लीज मुझे एक फोटो खींचने है। डैड प्लीज डैड। ये क्या सीधा निशान? डैड, इसे ट्रैवल लॉग कहते हैं। मैं इस ट्रिप के सारे पिक्चर्स खींचूंगा, और वैसे भी पहली बार तो आपके होम टाउन आया हूँ ना। अरे रोक दो ना गाड़ी, 2 मिनट की तो बात है, और वैसे भी हम तो घर ही जा रहे हैं, घर जाके तो हमें आराम ही करना है। डैड प्लीज। So nice, ना? चलो चलो चलो, पास पास पास, थोड़ा थोड़ा इधर आ। ठीक है, एक मिनट। चलिए एक फोटो। बेटा तुम अच्छी तरह से जानते हो, मुझे ये सेल्फी में कोई इंटरेस्ट नहीं। नो प्लीज लेट्स गो। ओके, फर्स्ट सेल्फी में इंटरेस्ट नहीं है, पर मॉम में तो है ना। चलो अपने बेटे की बात का जवाब दीजिए। चलिए, अब आप इनके साथ मिलके टीम बना। चलिए प्लीज। डैड कम 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 डैड, फास्ट, 2 मिनट है अपने पास। हां, डैड ने बोला है। डैड के पीछे चले गो अब। हां, ऊपर।
जल्दी बैठो बैठा था, कम ऑन। जगदीश भाई, इस आम के बगीचे की हम बिल्कुल सही कीमत दे रहे हैं, इसके ऊपर कुछ भी मिलना मुश्किल है। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम चंद्रप्रकाश, देख रहे हो 1500 आम के पेड़ हैं, हैं? और तुम तो इसकी आधी कीमत दे रहे हो। अरे लेकिन आपने जो कीमत बताई है जगदीश भाई, वो बहुत ज्यादा है। अरे भाई बाग भी तो 6 एकड़ का है, और इस बारे में हमारे शहर से पहले ही फोन पे बात पक्की हो चुकी है, फिर अचानक दाम आधा कैसे हो गया? देखिए मुझे जो कुछ बताया गया है मैं वही आपको बता रहा हूँ, बाकी मुझे बड़े ताऊजी से बात करनी होगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या जल्दी बात करता हूँ, अरे दूसरे लोग भी तैयार बैठे हैं इसको खरीदने के लिए बाप को। चलो ठीक है, चलता हूँ मैं। चंद्र जल्दी आना, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा मैं। ठीक है ठीक है। स्वागत है। अरे बेटा बड़ी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे माँ हम तो जल्दी पहुंच जाते, लेकिन हमारे साहबजादे की फोटोग्राफी नहीं देते। बेटा दादी माँ। अरे इतना बड़ा हो गया मेरा बच्चा, आके तरस रही थी तुझे देखने के लिए। तू पहुंचा कब दीपक? बस भैया अभी थोड़ी देर पहले ही आया। और भाभी पाइला को? अरे खुश होइए खुश होइए। कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। और दादी वो सुनीता नहीं दिख रही? अरे सुबह से तेरा नाम ले रही है, ऊपर अपने कमरे में है, जा जाके मिल ले। चाचू छोटे कैसा है तू? गुड। मैं सुनीता से मिलता हूँ। भैया सुनीता चूती डॉल मेरा, कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ पता है? ओके आई एम सॉरी, मैं सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ था। 10 मिनट? अब बहुत लेट हो। ओके बाबा प्लीज माफ कर दे मुझे। अच्छा ठीक है, कुछ खाओगे? कुछ पियोगे? कुछ लेके आऊँ? नहीं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पियूंगा नहीं, बस सिर्फ तेरा गाँव देखूंगा। चलो गाँव अभी चलो। हाँ हाँ वेट, उसके पहले मेरे पास तेरे लिए गिफ्ट है। गिफ्ट कहाँ? गिफ्ट दिखाओ ना जल्दी, कहाँ पे? तू रुकेगी तो दे पाऊंगा ना। हाँ जल्दी दो। ये गिफ्ट तेरा। आईज क्लोज्ड। बहुत अच्छा गिफ्ट है, थैंक यू भैया।
थैंक यू क्यूटी, अब हम इस पे ना वीडियो चैट कर सकते हैं, यू नो। चल चल चल, अभी मुझे गाँव दिखा। हाँ चलो चलो, okay? चलो। अरे वेट, अब मुझे चेंज करना है तो रूम पहले दिखाना पड़ेगा। भैया किसको इम्प्रेस करना है, ये गांव है, गांव शहर नहीं। बिना शैतान हो गई, चल। इतने सालों बाद गांव आने की क्या जरूरत थी, शहर से ही काम कर लेते। बाप, इस डील के लिए काका और दीपक के होना बहुत जरूरी था। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं, इस जमीन के पट्टे पर तीनों के नाम, और इन तीनों की सिग्नेचर के बिना इसका सौदा हो नहीं सकता। हाँ, वो लक्ष्मी भाभी की कोई खबर? ठीक ही होगी, जब से अजय गुजर गए हैं अपने मायके में ही है। और सुनीता, सुनीता तो खुश है ना? उसकी खुशी का तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ जब से उसे गोद लिया है। अरे दादी सुनो ना, मैं और निशांत भैया बाहर घूमने जा रहे हैं, ठीक है ना? अरे नमस्ते चाचा, नमस्ते चाची। खुश हो, खुश हो, ठीक है ना दादी? हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, से पहले लौट आना। ठीक है दादी। और सुन, आते वक्त इमली लेके आना। ठीक है दादी। अरे सुन तो, ये बच्चे भी ना, कब तक यहाँ रुकने का इरादा है? माँ बस जैसी ये जमीन की डील कंप्लीट हो जाएगी निकल जाए। भगवान करे ये डील जल्द से जल्द हो जाए, और आप लोग यहाँ से लौट जाओ। क्या बात है माँ, हम यहाँ इतने सालों बाद आए हैं, आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है बहू, आप लोग मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। सोच रहा हूँ कि अंदर घुसू कि ना घुसू। घुस जाओ भैया, अगर मगरमच्छ आएगा ना तो मैं हूँ ना। क्या भैया? मेरा भैया गिर गया और तुम लोग को हंसी आ रही है? और सुनीता जरा एक मिनट इधर तो आना। आती हूँ आती हूँ, रुको, तुम लोग की खिलखिलाहट बंद करती हूँ। सुनीता रुक जा यार। अरे भैया टेंशन मत लो, मगरमच्छ को पता है कि आप मेरे भैया हो। नहीं आना चाहिए था। तुम कौन होती मेरे भाई को रोकने वाली? हाँ कहाँ रहते हो, कहाँ ठहरी हो, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आई हो? मैं इसी गांव से हूँ, स्कूल वाले गली के आखिर में मेरा घर है। स्कूल वाली गली? लेकिन मैंने तुम्हें नहीं देखा आज तक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया। चलो लेट हो रहा है, चलो ना जल्दी, दादी डांटेगी, हम लोग को जाना है। चलो भैया चलो। पर अरे पर... चलो भैया, हम लोग को इमली लेने भी जाना है, चलो। मेरे शूज तो ले लूं। जल्दी चलो भैया।
सोचोगे ना तो जल्दी बुड्ढे हो जाओगे। सुनीता, उस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा है। आज से पहले जिस लड़की को मैंने नहीं देखा उसे आप कैसे देख सकते हो? पता नहीं। एक बात बोलो भैया, वो लड़की शायद से झूठ बोल रही है। मैं इस गांव में सबको जानती हूँ, लेकिन उस लड़की को मैंने पहली बार देखा। रुको 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 भैया रुको। भैया आप इधर रुकना, मैं दादी माँ के लिए इमली लेकर आती हूँ। हेलो, कोई है? भैया, अरे भैया कहाँ चले गए? भैया इधर मेरे भैया खड़े थे, आपने देखा क्या? ये लड़की? हाँ, मैंने इस लड़की को डैड के पुराने एल्बम में देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये फोटो तो 1995 की है। ये लड़की 20 साल बाद भी ऐसे ही दिखती है। कहे वो लड़की मर तो नहीं गई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ओह माय गॉड, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, आप लोगों का यहाँ ठहरना बिल्कुल ठीक नहीं है। सुबह होने के पहले आप सब यहाँ से निकल जाओ, सब के सब निकल जाओ। आप क्यों निकल जाए? आप मुझे बताइए कि हम अपने ही गांव से, अपने घर से क्यों निकल जाए? मुझे बताइए, प्लीज बताइए। निशांत भैया, निशांत भैया घर आए क्या? निशांत घर आ गए? क्या मतलब? वो तो तेरे साथ गया था ना? हाँ दादी, मेरे साथ ही गए थे, लेकिन मैं जब इमली लेकर आई तो देखा कि वो वहाँ है ही नहीं। मुझे लगा कि वो घर आ गए होंगे। ओह, वो शायद उससे मिलने गए होंगे। किससे मिलने गया होगा? किससे मिलने गया होगा सुनीता, बताओ मुझे। दादी मैं अभी आती हूँ। रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं चाची, मैं अभी गई और अभी आई। रुको ना सुनीता।
सब क्या हो रहा है समीर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे बताओ ये फिर से का क्या मतलब है समीर? अरे तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में है, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। हमारा परिवार खतरे में है? समीर, समीर कहीं निशान की जान तो खतरे में नहीं है? समीर, समीर प्लीज निशान को ढूंढो, समीर प्लीज निशान को ढूंढो, समीर। मैं बेटी को कुछ होने नहीं दूंगा। निशान भैया, निशान भैया। तुम खेतों की तरफ जाके देख, मैं उधर गांव की तरफ देख। ठीक है भाई साहब। ये कौन है ये लड़का? गांव में कभी देखा नहीं इसको पहले। अरे क्या हो रहा है? अरे हटिए, हटिए आप लोग, हटो। निशांत, 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 ये बेटा क्या? ठीक है भाई, इसे घर लेके चलते हैं। उठाओ, उठाओ, उठाओ। सबको पता है ना कि निशांत को क्या हुआ है? अब कुछ भी हो, आपको मुझे ये बात बतानी होगी कि यहां हो क्या रहा है। बेटा कैसे बताऊं, हमारे परिवार पे एक बुरी आत्मा का साया है। खोल रही हूं दरवाजा। हाँ मैं। सुन ले विमला देवी, अपने बेटे से बोल मेरी बेटी से दूर रहे, वो उसको झूठे सपने दिखाकर बहला रहा है, उसका फायदा उठा रहा है। अरे जा जाकर अपनी बेटी को संभाल, वो मेरे भोले भाले समीर को फंसा रही है। अरे मेरे जीते जी मैं उन दोनों की शादी कभी होने नहीं दूंगी, समझे? अगर फिर से प्रिया के करीब आने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझी? चल जा। मैंने समीर को बहुत समझाया कि रिया और उसके परिवार से दूर रहना, वो भले लोग नहीं है, पर समीर ने मेरी एक नहीं सुनी। रिया और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, पहला प्यार था हमारा, लेकिन परिवार के झगड़ों की वजह से हमने भागकर शादी करने का प्लान बनाया और उस दिन मैं उसका इंतजार करता रहा, वो नहीं आई। बाद में हमें पता चला कि रिया की मां को उसकी भागने की खबर मिल गई। वो इतने भयंकर गुस्से में थी कि उसी दिन उसको लेकर गांव से गायब हो गई। हम लोगों को लगा कि वो लोग गांव छोड़कर चले गए, लेकिन एक दिन वो खुद को फांसी लटकाकर आत्महत्या कर ली। उसके घर से एक खत मिला कि वो लौटकर वापस आएगी और जीते जी हमारे जिंदगी को नर्क बना देगी। सारा गांव जानता था कि वो तंत्र मंत्र जानती है। मरने के बाद वो एक बड़ी ताकतवर शक्ति बन गई और उसने मेरे बड़े बेटे अजय को
लगा कि मेरे परिवार की जिंदगी खतरे में है, इसलिए मैंने दीपक और समीर गांव से बाहर शहर में भेज दिया। तो इसी वजह से इतने सालों हम अपने ही गांव कभी नहीं आए। लेकिन समीर, समीर तुम्हें तो सब कुछ पता था ना, तुम तो सब कुछ जानते थे, फिर हमें क्यों यहाँ पर लेकर आए? आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से निशांत की जिंदगी खतरे में है। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन यकीन करो आशा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि कल सुबह हम सब यहां से चले जाएंगे। बस बस आज रात की बात है। सुनीता 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 रुक जाओ। सुनीता जाको, सुनीता सुनीता होश में आओ। सुनीता वो होश में नहीं आएगी, ये तब तक होश में नहीं आएगी जब तक मैं नहीं चाहती। क्या किया तुमने सुनीता के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसे मजबूर किया है तुम्हें यहां लाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मुझे आजाद करवा सकते हो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्यों करूं मैं तुम्हारी मदद? तुम ही मुझे मारना चाहती थी ना? नहीं निशांत, नहीं। मैंने ही उस कमरे की खिड़की खोली थी जहां से तुम बाहर कूद गए थे। मैं तुम्हें घर तक इसलिए लेकर आई ताकि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता सकूं। तो फिर वो कौन है जो मुझे मारना चाहती है? मेरी माँ। तुम्हारी माँ? हाँ मेरी माँ। अगर मैंने उन्हें नहीं रोका तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगी। ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? आखिर हमने किया क्या है? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है। मेरी माँ ने मुझे कैद करके रखा है, मैं चाहकर भी वहां नहीं पहुंच सकती जहां मेरी माँ समीर को मारने वाली है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे आजाद करवाना होगा। पर मैं तुम्हें आजाद कैसे कराऊंगा? यहां एक यंत्र गड़ा हुआ है, उसे निकाल के जलाना होगा। सोचो मत, मेरे पास समय बहुत कम है। यह आत्मा ऐसे शांत नहीं होगी। पहले इसने अजय भाई साहब को मार दिया, फिर काका को, अब कहीं ये मुझे भी। कौन है वहां? कौन है?
निशांत, दीपक भैया नहीं है कमरे में, कहाँ गए होंगे? ये सुबह सुबह कहाँ जाएगा? पीछे के बगीचे में टहल रहा होगा, जा जाके देख। दीपक भैया, दीपक भैया, मुझे पता है कि तुम मेरी माँ के कब्जे में हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। होश में आओ समीर, हिम्मत करो समीर। तू फिर भी इससे प्यार करती है? जान बचाना चाहती है इसकी? माँ, समीर ने मुझसे हमेशा से बहुत प्यार किया है और मैंने भी उससे बहुत प्यार किया। समीर ने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया और मैंने भी धोखा नहीं दिया। मुझे पता है समीर, तुम उस रात को यही सोच रहे थे कि मैं क्यों नहीं आई, लेकिन मैं आती कैसे? तुम्हारे भाई ने मुझे मरवा जो दिया था। माँ, समीर को नहीं पता कि उनके भाई और काका ने मिलकर साजिश की थी हमें मारने के लिए।
ये बात सच है समीर कि जिस दिन हम गांव छोड़कर जाने वाले थे मैं आ ही रही थी। उस दिन तुम्हारे भाई और काका ने दो आदमियों को भेजा था। लेकिन कोई नहीं आया मदद करने के लिए, क्योंकि गांव वाले मेले में थे और तुम गांव से बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं आया सिवाय उन दो गुंडों के। उन्होंने मुझे और मेरी माँ को दोनों को मार दिया और उस गुनाह को छुपाने के लिए एक कहानी भी बना दी कि मेरी माँ ने मुझे मार दिया और आत्महत्या कर ली। मैंने 20 साल तुम्हारे लिए इंतजार किया सिर्फ यही कहने के लिए कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं तुमसे तब भी प्यार करती थी और आज भी प्यार करती हूँ। तू कल भी मूर्ख थी, तू आज भी मूर्ख है। तेरी इसी नादानी का फायदा उठाकर इन सब ने मिलकर तुझे मार दिया था। तुम बेकसूर हो समीर, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। समीर रुक जाओ। दैट नो प्लीज। कूद जा समीर। मेरा बदला पूरा हो गया, अब सिर्फ ये बच्चा बाकी है। मैं इसे मार डालूंगी, मार डालूंगी। माँ, आप तब भी गलत थी और अब भी गलत हो। सच्चाई के आगे हमेशा से बुराई ने घुटने टेक दिए हैं माँ। समीर, समीर ठीक तो हो? ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। माँ, मुझे पता है कि समीर के भाई और काका ने हमारी जान ले ली थी, लेकिन हमारा कोई हक नहीं बनता समीर की जान लेने का। वो हक सिर्फ उनका ही है जिन्होंने ये जहान बनाया है। मुझे माफ कर दो रिया, मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी मैंने, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। हो सके तो माफ कर देना मुझे। नहीं समीर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भले ही हमारा प्यार दो पल के लिए था, लेकिन सच्चा था। मैं तुमसे तब भी प्यार करती थी और आज भी प्यार करती हूं। खुश रहना समीर।